Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. <clears throat> Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. <clears throat> Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless your name, Lord 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 Jesus. Lord Jesus, we bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Lord. <coughs> Thank you, Jesus of Nazareth. <coughs> Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Thank you, Jesus, Jesus, King of Glory. Jesus, Jesus, Lord, Jesus, Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we give you praise. In your precious name, we pray. Amen. Hallelujah. So, uh, I was telling you that if you Genesis one two in the original text. बाइबल की आपको ट्रांसलेशन की दो मेन स्ट्रीम मिलती हैं मेसोरेटिक टेक्स्ट और सेप्टु जो सेप्टुआ ट्रांसलेशन है वो 70 जूश स्कॉलर्स के द्वारा सेवेंटी यहूदी विद्वानों के द्वारा किया गया अनुवाद है जो इब्रानी में से ओरिजिनल स्क्रिप्ट में से इब्रानी के ओरिजिनल सोर्स से ग्रीक में किया गया तो जब ये हीब्रू स्कॉलर जो ज्यूइश थे जिन्हें प्रकाश मिला था यहोवा परमेश्वर का जिनके पास डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर का कलाम पहुंचा था वो ज्यूइश स्कॉलर जो थे वो ग्रीक पैंथियन को भी समझते थे यूनान की मिथोलॉजी को यूनान के देवी देवताओं का पूरा ज्ञान था उन यहूदी स्कॉलर्स के पास तो जब वो सेप्ट जिंट में इसे ट्रांसलेट करते हैं ग्रीक में तो वो पूरे रेलेवेंस को लेकर आते हैं तो मैं आज आपको कुछ डीप बातें बताने जा रहा हूँ जैसे मैंने शुरू किया कि जेनेसिस वन टू तु में तुहू वुहू वर्ड है धरती बेडौल और सुनसान हो गई ओरिजिनल हिब्रू बताती है हो गई जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कोई ऐसा इवेंट घटा और हम जानते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर ने उस खर खरब को जिसे चरब बोलते इंग्लिश में और करूब बोलते हिंदी में करूबीम को स्वर्ग से गिरा दिया उसके गिराए जाने से सबसे पहली जल प्रलय आई और पृथ्वी बेडोल और सुनसान हुई और लिखा है गहरे जल के ऊपर ओवर द डीप ऑफ द वॉटर्स द स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई वॉज हवरिंग अगर आप ग्रीक अगर आप हिब्रू टेक्स को स्टडी करेंगे इंग्लिश में लिखा है गहरे जल के ऊपर लेकिन ये बहुत डीप वर्ड्स हैं इनका अध्ययन करने के लिए और इनको सही सही रूप में जानने के लिए बहुत गहराई में आपको परमेश्वर के कलाम को ढूंढना पड़ेगा ओरिजिनल रीस ओरिजिनल सोर्सेस के पास जाना पड़ेगा और रिसोर्सेस का अध्ययन करना पड़ेगा तो वहां पे जो ग्रीक हिब्रू वर्ड है हिब्रू वर्ड है ताहोम गहरा जो गहरे जल है उसके लिए वर्ड है ताहोम ताहोम भाई और बहनों अकेडियन पैंथियन में एक गॉड है जो समुद्रों का देवता है पानियों का देवता है एक बड़ा मासिव रिबेलियन है यहोवा के खिलाफ समुद्रों के अंदर एक रिबेल अगर आपको याद होगा मैंने आपको लिवायथन के विषय में बताया 38 और उनतालीस अयूब की पुस्तक में यह परमेश्वर लिवायथन के विषय में बात करता है एक ऐसा मासव सी क्रीचर है जो यहोवा के विरुद्ध में रिबेल करता है और यह उसे अपने वश में करता है तो भाई और बहनों परमेश्वर यहोवा अयूब को यह बताता है कि अयूब की जो असीरी है कैप्टिविटी है जो अयुब की पुस्तक फोर्टी सेकेंड चैप्टर की टेंथ वर्स में लिखा है असीरी में लेके जाता है शैतान कैप्टिविटी में शैतान परमेश्वर के लोगों को बंदवाई में ले जाता है बहुत सारे मसीह लोग बंदवाई में होते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि वो भदवाई में है ये शैतान की भंदवाई होती है अयूब की ये सोच थी यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया उसका नाम मुबारक हो अयूब ये सोचता रहा जब तक वो ट्रायल में था परीक्षा में था कि ये सब काम परमेश्वर की ओर से हो रहा है लेकिन यहोवा परमेश्वर उसे बता रहा है कि लेवायाथन का रूह है 38 एट आइजाया थर्टी नाइन आईज थर्टी एट और 39 नाइन अयूब में कि वो है जो तुझे असीरी में लेके गया है और अयूब 42 के 10 में फोर्ट बयालीस के 10 में लिखा है यहोवा परमेश्वर अयूब को असीरी से छुड़ा लाया हाल तो यहोवा परमेश्वर ही हमें असीरी से छुड़ाता है तो मैं आपको आज लेके जाना चाहता हूँ यशाया नबी की पुस्तक में यशाया नबी नॉर्दर्न किंगडम में उत्तरी राज्य में जिसे हम इज़राइल कहते हैं दक्षिणी राज्य को यहूदा कहते हैं और नॉर्दर्न किंगडम में अर्थात इज़राइल में जहाँ दस गोत्र इज़राइल के वास करते थे उस समय भविष्यवाणी कर रहा है जब इसराइल में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं इसराइल आत्मिक पतन आत्मिक पतन में है बुरी तरह से आत्मिक पतन में है और यहोवा परमेश्वर की ओर इज़राइल ने पीठ की है और यहोवा परमेश्वर का दंड नॉर्दर्न किंगडम पे उतर आया है 722 ट्वेंटी टू में बी का मतलब होता है मसीह के आगमन से पहले सात सौ बाईस साल पहले अशूर की गुलामी में वो चले गए हैं असीरियन लोग इसराइलियों को दस गोत्रों को ग़ुलाम बना के ले गए हैं तो आप पढ़िएगा यशाया 25 26 और 27 से तीन अध्याय आज आप पढ़िएगा आज अगर पढ़ सकते हैं या कल्स हुआ पढ़ सकते हैं बहुत डीप है ये यशाया एक बहुत महान परमेश्वर का दर्शी है नबी है और ये जो दर्शी थे नबी थे यहूदी इज़राइली इब्रानी इन्हें बहुत ज्ञान था यहोवा की ओर से दिया गया ओरिजिनल भाषा में अगर जाके यशाया 25, 26 और 27 का आप अध्ययन करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इंग्लिश की ट्रांसलेशन में और हमारी जो वर्नेकुलर ट्रांसलेशन हैं उनके अंदर वो असली भाव आ ही नहीं सके जो वहां पे लिखे गए हैं यशाया बहुत बुद्धिमान यहोवा का दास है पच्चीस छब्बीस सत्ताईस इतने गहरे हैं इनके अंदर इसराइल के इर्द गिर्द जितने राष्ट्र थे जितनी कौमें थी जितने देश थे उनके देवी देवता उनकी आराधना की विधियाँ और जितने शैतानी पद्धतियाँ थी पूजा की उन सब को यशाया नज़र रख के लिखतों को लिख रहा है इसमें यशाया के 25 छब्बीस सत्ताईस में पढ़ेंगे आप द कल्ट ऑफ द डेड द कल्ट ऑफ द डेड जो uh, जिसे हम हमारे देश में पितरों की पूजा कहते हैं उसके विषय में इसके इन तीन अध्यायों में बात बात करता है अन्य जातियों को जब पैंथियन है पैंथियोन का मतलब होता है उनके देवी देवता उन सबके विषय में परमेश्वर का दास यशाया लिखता है और परमेश्वर के दास यशाया की ही लिखत को जो 25 अध्याय है उसको ही आधार बना के पॉल्यूस प्रेरित परमेश्वर का दास पहला कुरिंथियों पंद्रह अध्याय को लिख रहा है पहला कुरिंथियों पंद्रह अध्याय में प्रेरित पुलूस बात कर रहा है ये हमारी शारीरिक देहों की जो नाशवान है और वो बात कर रहा है स्वर्गीय देहों की वो बात करता है स्वर्ग दूतों की भिन्न भिन्न प्रकार की जलाली देहें और वो बात करता है करू की सराफीमों की ओफर की अलग अलग ऑर्डर्स ऑफ दी एंजल्स और उनकी जो सेलेशियल बॉडीज हैं स्वर्गीय देह हैं और वो बात करता है हमारी ये नाशवान देह और जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे और कैसी अविनाशी देहें हमें मिलेंगी और हर एक विश्वासी की देह फर्क होगी फ़र्क होगी महिमा में सबकी महिमा एक जैसी नहीं होगी जिस प्रकार का जीवन विश्वासी लोग अब पृथ्वी पे जी रहे हैं उतनी ही उतना ही ओज उतना ही तेज उतनी ही रोशनी आपके शरीरों में होगी और यहां पे वो बहुत अद्भुत बात करता है पहला क्विंथियो पंद्रह अध्याय के 54 फिफ्टी फोर वचन में प्रीत पलूस कहता है कि मृत्यु तेरा डंक कहां रहा मृत्यु को परमेश्वर निगल जाएगा स्वालो कर लेगा स्वालो कर लेगा अब प्रयत पलूस मृत्यु को यह परमेश्वर निगल जाएगा यह बात यशाया नबी की पुस्तक 25 अध्याय के आधार पर करता है मैं यशाया 25 में अभी चलूंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय के दो वचन में टाहम जो है वर्ड हिब्रू में वो तियामात एक देवता है टिया अकेडियन अगर स्क्रिप्चर आप स्टडी करेंगे अकेडियन और कैननाइट, इन लोगों के पैनथियन में जो मौत का देवता है मृत्यु का देवता उसका नाम है टियामाट, युगरेटिक टेक्स्ट में उसे मोट कहा गया मौत, और वहीं से वर्ड निकला है मौत जो पर्शियन में और अरेबिक में आया है मौत मौत ये एक देवता था डीमन है ये एक बद्रू है एक आत्मा है मृत्यु एक आत्मा है और मृत्यु नाम की आत्मा जिस घर में रहती है उस घर का नाम है हेडीज अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे उन चार छे अध्याय में प्रकाशित वाक्य के उन आप मोहरों को टूटते हुए देखोगे जब मेमना जो दाऊद का मूल है जो क्रूस पे विजयी हुआ अंधकार की शक्तियों पे प्रबल हुआ जिसने मृत्यु को मृत्यु दी वो परमेश्वर का मेमना वर्दी है उन मोहरों को तोड़ने के लिए ये पुस्तक है जिसे मोहरे लगी हैं सात मोहरे अंदर से भी लिखी गई बाहर से भी लिखी गई है ये पुस्तक है भाई और बहनों पृथ्वी की कौमों की मिरास की इस पुस्तक की मोहरों के टूटने के बाद पृथ्वी के ऊपर प्रलय आती है दंड आता है प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे मेमने का क्रोध फिर आप देखेंगे शैतान का क्रोध फिर आप देखेंगे यहोवा का क्रोध यह पृथ्वी के ऊपर पोर आउट किया जाता है लेकिन ये तब घटता है जब मेमना अर्थात यीशु नासरी जो मौत को हरा के जैवंत हुआ जिसने मौत को मौत दी है वो मोहरों को खोलता है और आपको मालूम वो जो चार हॉर्सेज हैं चार घोड़े हैं जो चौथा घोड़ा है मैंने आपको कई बार बताया जिसे पंजाबी में लिखा नुकरा घोड़ा लेकिन इंग्लिश में लिखा पेल ग्रीन हॉर्स पर ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में लिखा गया उसका उसका नाम है क्लोरोस क्लोरोस वो शब्द है जहाँ से क्लोरोफॉम वर्ड निकलता है वो घोड़ा बहुत सारे बाइबल के विद्वान मानते हैं कि वो घोड़ा बायोलॉजिकल वॉर को दिखाता है जो केमिकल वेपन पृथ्वी पे यूज किए जाएंगे और एक आखिरी बड़ा युद्ध पृथ्वी पे लड़ा जाएगा खैर उसके बाद और भी युद्ध हैं गोग मगोग है अर्म है तो वो जो घोड़े पे बैठा है उस घोड़े का नाम है क्लोरोस लेकिन जो बैठा है उसका नाम है थेनाटॉस या थेनाटोस आपको मालूम थेनाटॉस कौन है थेनाटॉस ग्रीक लोगों का मौत का देवता है ग्रीक पेंथियोन में मृत्यु के देवता का नाम है थेनोस या थेनाटॉस थेनाटॉस है गॉड ऑफ डेथ मृत्यु का देवता हालेलुया और थेनाटॉस के पीछे कौन आ रहा है हेडीज हेडीज कौन है ग्रीक पैनाथियॉन ग्रीक पैन में नरक को हेडीज कहा गया हेल को तो जो नरक है हेल है ये एक जगह भी है और एक बदरू भी है मौत एक रेलम भी है रेलम और मौत एक दूत भी है एक फॉलन एंजल है यह बदरुए है ये जो मौत जो डीमन है इस डीमन के विषय में जो टिया मार्ट है उसके विषय में यूगरेटिक टेक्स में क्या लिखा है कि टिया मार्ट एक डीमन है एक बुद्रू है जो अपनी चिन्ह को पृथ्वी पर रखता है और अपनी जीव को निकालता है और आकाश के तारों को चाटना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता मृत्यु एक ऐसा ग्रीक पैंथियन में और अकेडियन लोगों की कल्चर में यूगरेटिक टेक्स में अगर आप एंशियंट सुमेरियन टेक्स्ट पढ़ेंगे मौत एक ऐसी बदरू है जिसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती इनसेशियबल हंगर है मौत के अंदर और मौत सब कुछ चाटती जाती है और मौत एक डीमन है एक बदरू है और नरक भी एक बदरू है एक डीमन है डेथ जो है हेडीज के अंदर रहती है हा तो आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह यहुन्ना के ऊपर जब प्रकट होते हैं तो उस जलाली यीशु मसीह को देख के वो जलाली तेजस्वी अनंत अनादि शाश्वत सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी महाप्रतापी राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सृष्टि का मूल दाऊद के गोत्र का यहूदा का, दाऊद का मूल यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर हाले लुया वह तेजस्वी जलाली यीशु मसीह हाल लुया जब यहुना के सन्मुख प्रकट होता है यहुन्ना मुर्दों की तरह उसके चरणों पे गिर पड़ता है यीशु मसीह उसे कहता है मत हालेलुया। डर्मत। देख मैं अव्वल और आखिर हूं आखिर हूं अल्फा और ओमेगा हूं हिब्रू में अलफ एन ताव हूं और क्या कहता है यीशु मसीह देख मैं मर गया था मैं जीवित हूं और मौत की और पताल की चाबियां मेरे हाथ में हैं यीशु मसीह ने उस डीमन को उस बदरू को जिसका नाम क्या है है जिसका नाम मौत है जिसका नाम है उसे खुदावंद यीशु मसीह ने हरा दिया उसने यीशु मसीह को निगल तो लिया पतरस पंते कुस के दिन यही प्रचार करता है पतरस का प्रचार पंते कुस का प्रचार पत... प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पढ़ के देखिए पत्रस कहता है मौत की रस्सियों ने उसे निगल तो लिया था लपेट तो लिया था पर मौत यीशु मसीह को निगल ना सकी उसने मौत के पेट को चीरा मृत्यु को मृत्यु दी और तीसरे दिन उसने पताल को हराया उस बदरू को पताल की मौत की बदरू को कुचला यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो चाबियां उनकी यीशु मसीह के पास हैं अब इसलिए भाइयों मौत से डर काहे का इसलिए यीशु मसीह कहता है उनसे क्यों डरते हो जो शरीर को मारते हैं यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी है किसी ने मौत को शिकस्त नहीं दी जिस जो भी इस पृथ्वी पे आया सबको मौत ने निगल लिया और वो मौत के पेट में समाये हुए हैं एक है जो मौत के पेट में गया और चीर के बाहर आया जिसका नाम है यीशु मसीह हालेलुया यीशु मसीह नासरी जिसने मौत को मौत दी है आप उसकी शरण में आए हैं जिसने मौत को मौत दी लेकिन भाई और बहनों मौत अभी तक मुकम्मल तौर पे मौत का खात्मा नहीं हुआ है समझ रहे हैं आप मौत का मुकम्मल तौर पे खात्मा अभी तक नहीं हुआ मैं एक वचन आपको देता हूं फिर मैं आपको ये, शा, ये शाया की ये शाया नबी की पुस्तक में लेके चलूंगा सुनिए से क्या कहता है परमेश्वर का दास मैं कुछ वचन पढ़ देता हूं आपके लिए पहला कुरंथियों में से उसके पंद्रह अध्याय के फिफ्टी फर्स्ट वचन से पढ़ता हूं देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक म... मारते ही अंतिम तुरी के फूकते ही होगा क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे ये जो वचन है 51 एंड 52 इसके ऊपर बहुत गहरी शिक्षा है लेकिन आज मैं इस पर इसमें इस नहीं जाना चाहता मैं और रेबिटे ट्रेल डिग कर दूंगा मैं आपको यहाँ लेके जाना चाहता हूँ त्रेपन वचन में क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे मरियम की कोख में आपके और मेरी जैसी देह लेकर आया लेकिन उसकी देह मेरे और जैसी आपके और मेरे जैसी नहीं थी क्योंकि उसकी देह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुई इसलिए यीशु मसीह को कहा गया द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट हालेलुया ले वो पवित्र आत्मा का पुत्र कहलाएगा मत्ती एक अट्ठारह में लिखा है यीशु मसीह एक ही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और वो पवित्र आत्मा का पुत्र कहलाया उसकी देह जलाली थी हाल लेकिन यीशु मसीह ने उस देह जिसके अंदर ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम मरियम के थे उस देह के द्वारा शैतान को हराया उसने हा उसने शैतान को मौत को पताल को हराया उसी देह में और उनके ऊपर जैवंत होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यहां लिखा मुर्दे अविनाशी दशा में जैसे एक जलाली यीशु मसीह को मिली वैसे हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले और मरनहार दे अमरता को पहन ले फिर भाई और बहनों मृत्यु नहीं होगी अनंत जीवन एक अविनाशी दे में हमें मिलेगा हाल और इसका 54 फोर वर्ड वचन और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा कब जब हमें अविनाशी देह मिलेंगी नाशवान देह अमर देह में बदल जाएगी तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा हाँ कौन सा वचन जो यशाया नबी ने लिखा है हम यशाया में चलेंगे यशाया नबी के 25 अध्याय के आठ वचन में ये लिखा है यह वचन पूरा हो जाएगा और यह वचन पूरा हो जाएगा जय ने मृत्यु को निगल लिया हे मृत्यु तेरी जय कहां रही हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा तो कहां से लिख रहा है प्रभु का दास प्रेरित पलूस यशाया पच्चीस अध्याय में से तो यशाया पच्चीस अध्याय में यशाया बहुत गहरी बातें कर रहा है यशाया बातें कर रहा है एंशंट प्राचीन दुनिया के जो प्राचीन दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं थी, अलग अलग देश थे उनकी अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां थीं और उनके अलग अलग देवी देवता थे जिनकी वो पूजा और उपासना करते थे तो इब्रानी जो नबी थे वो उन देश के लोगों के पेंथी को उनके देवी देवताओं को जानते थे उनके देवी देवताएं कौन से डीमंस हैं और फॉलन एंजल्स हैं कौन सी गिराए गए फरिश्तों की रूहें हैं वो पहचानते थे उनको समझते थे इसलिए वो वचन को उस अंदाज में पेश करते हैं अगर आप व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर थर्टी टू वर्स नंबर एट और ड्यूट्रॉनमी फोर्टीन वर्स नंबर नाइनटीन ये दो बहुत की आयते हैं व्यवस्था विवरण में व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 8 वचन और व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 19 वचन अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे सुनिए ध्यान से शायद ये आपने पहले कभी ना सुना हो जब बाबुल का बुर्ज बना रहे थे लोग उनका मुखिया था निमरोध उसके अंदर शैतान समा गया अंधकार समा गया और निमरोद के विषय में लिखा है उत्पत्ति दस के चार और पांच वचन में जहां इंग्लिश में लिखा है निमरॉड बिगेन टू बी अ माइटी हंटर बिफोर द लोड वहां पे जो हिब्रू बड है खला उसका मतलब है कि निमरोद ने अपने आप को कुछ ऐसा किया जिससे निमरोद एक नफलीम बन गया जैसे जो उत्पत्ति की पुस्तक छे अध्याय में फॉलन एंजल थे गिराए गए फरिश्ते थे वॉचर जिनके विषय में लिखा अभी बताऊंगा आपको मैं वॉचर उन्होंने मनुष्य की पुस्त्री स्त्रियों मनुष्य की पुत्रियों के संग संबंध बनाए और वचन में लिखा है जब उन्होंने वॉचर्स ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध बनाए तो उनकी यूनियन से नफाल पैदा हुए नफलीम नफलीम का मतलब गिराए हुए सीड ऑफ द फॉलन एंजल और फिर जब उन्होंने दोबारा स्त्रियों के संग संबंध बनाए तो वच डिट्रॉनमी जित, चार का उन्नीस है सुनीता गुरिया जी फोर्टीन का नाइनटीन नहीं है जिट्रॉनमी फोर नाइनटीन है तो उसमें से गिबरीम पैदा हुए जिन्हें जिगांटस भी कहा गया लैटिन में तो हम वचन में पढ़ते हैं कि जेनोस चैप्टर सिक्स में बहुत गहरा भेद छिपा हुआ है जिसे लिबरल थियोलॉजियंस ने सेथाइट थ्योरी बना के सेथ की लाइन की थियोलॉजी पेश करके दबा दिया असल में ये अटेम्प्ट 325 ट्वेंटी फाइव ए डी में जो निसियन क्रीड थी कॉन्स्टेंटाइन की जहां से रोमन कैथोलिक चर्च का विस्तार हुआ उसके बाद इस शिक्षा को दबाया गया पहली तीन सेंचुरीज के अंदर यीशु मसीह के जो चेले थे यीशु मसीह के चेलों के द्वारा जो चेले बने जो पहले अर्ली चर्च फादर थे वो सब मानते थे कि उत्पत्ति की पुस्तक छः अध्याय में जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध बनाए वो फॉलन एंजल थे गिराए हुए दूत थे वो सेथ की लाइन नहीं थे तो निमरोद ने पूरी पूरी उस समय की जितनी जातियां थी सत्तर जातियां थी शेम हाम यफे तीनों में से सत्तर अलग अलग फैमिलीज सत्तर अलग अलग नेशंस जिसके विषय में उत्पत्ति की पुस्तक दस अध्याय में आप पढ़ सकते हो सेवेंटी डिफरेंट नेशंस दे ऑल वर यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ निमर एंड दे ऑल वांटेड टू डिफाई गॉड व्हाई दे सेड वी विल बिल्ड अ सिटी वी विल मेक आर सेल्स अ नेम So that we don't have to scatter, and we will build a tower, a ziggurat, whose top will speak to the heavens. There is a very, very deep, you know, uh, language in the original Hebrew text. All those people who congregated under the leadership of Nimrod, and Nimrod was like, you know, like 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 a Nephilim. He was the seed. He became the seed because he mutated his DNA. डीएनए तो वो पूरी की पूरी मानव जाति ग्यारह अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में जब बाबुल का बुर्ज बना रही है तो वो क्या कह रही है हम अपने लिए नाम करें भाई और बहनों नाम एक ही है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यह परमेश्वर का उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम और कोई नाम नहीं है और वो अपने लिए शहर बना रहे उनके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं वो यूनाइटेड होके परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर नीचे आया और उस उसने उसकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया ये पढ़िए आप बत्तीस अध्याय डिट्रॉनमी बत्तीस अध्याय व्यवस्था विवरण बत्तीस अध्याय का आठ वचन और व्यवस्था विवरण चार अध्याय का उन्नीस वचन पढ़िए क्या कहता प्रभु उनके विषय में व्यवस्था विवरण चार का उन्नीस में आपके लिए पढ़ रहा हूं सुनिए व्यवस्था विवरण चार के उन्नीस में क्या लिखा है अब मैं अभी आपसे बात कर रहा था मैसोरेटिक टेक्स्ट की और मैं बात कर रहा था सेप्टुआ जिंट की सेप्टुआ जिंट बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट है समझ रहे आप ओरिजिनल सेट की गई ट्रांसलेशन है सेप्ट जो स्कॉलर्स ने की है अब सुने आप व्यवस्था विवरण चार का उन्नीस सुनिए क्या कहता प्रभु या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो और बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती के सब देश वालों के लिए रखा है समझिए आप क्या लिखा है यहां पर ले मी रीड इन इंग्लिश ड्यूट्रॉनमी चैप्टर फोर वर्स नंबर नाइनटीन सुनिए प्रभु क्या कहता है ड्यूट्रॉनमी फोर एंड वर्स नंबर नाइनटीन एंड लेस दाओ लिफ्ट ऑफ दाइनाइज एंट दाओ सी एस द सन the moon the stars even all the host of heaven shouldest be driven to worship them and serve them which the lord thy god had divided unto all nations under the whole heaven parmeshwar ne ye jo pain ye jo surya chand aur tare inki jo pooja hai maine aapko bataya बाइबल में पुराने नियम में परमेश्वर तीन पूजा के ऊपर श्राप देता है तीन बातें हैं वो जो बेबलॉन से शुरू हुई है बेबलॉन बेबलॉन इज द मदर ऑफ ऑल हार्लेट बेबलॉन जो है सब बेबलॉन ओरिजिनल शैतानी सिस्टम है जिसने दुनिया को डिसीव किया है पूरा जगत पूरा संसार पूरे संसार की सभी संस्कृतियाँ सभी सभ्यताएँ सभी नेशन सभी राष्ट्र उनकी संस्कृतियाँ उनके जितने पैंथीओन हैं गॉड्स एंड गॉडसेस वो सुमेरियन हों वो कसदी लोग हों अकेडियन हों वो मिस्री लोग हों वो हों वो ग्रीक हों वो कैननाइट हो वो अमेलकाइट हों वो एमराइट हों वो मंगोल्स हों जैपनीज हों चाइनीज हो इंडियन हो, 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 हो किसी भी देश का पैंथियन और जो कल्चरल सेटअप है उसके अंदर जो देवी देवता हैं सब वो सब की जड़ है बेबलॉन बैबलॉन के विषय में क्या कहता है प्रभु प्रभु कहता है बेबलॉन से क्या निकला है बालीम ग्रोब्स और ये जो आकाश के तारे सूर्य और चांद की पूजा ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर श्राप है बालीमों की पूजा ये फर्टिलिटी कल्ट थे पुरुष के प्रजनन अंग की पूजा स्त्री के प्रजनन अंग की पूजा और आकाश के तारांगणों की पूजा इन पे श्राप है प्रभु ने पृथ्वी की कौमों को किनके हवाले कर दिया ये वचन पढ़िए परमेश्वर ने वॉचर्स के हवाले कर दिया सारा संसार जो है वो वॉचर्स के हवाले वॉचर्स क्या हैं मैं चाहता हूँ आप एक वचन पढ़िए अपनी बाइबल खोलिए। मैं आपको वचन देना चाहता हूँ दो वचन पढ़िए आप ध्यान से सबसे पहले पढ़िए दानियल चार का तेरह और फिर पढ़िए दानियल चार का सत्रह। जल्दी से प्लीज़ निकालिए दानियल नबी की पुस्तक चार अध्याय का तेरह वचन और दानियल चार का सत्रह वचन और मैं चाहता हूं आप इन वचन को मार्क कीजिए दानियल चार की तेरह में क्या लिखा आई सॉ इन द विजन ऑफ माई हेड अपॉन माई बेड एंड बी होल्ड ए वॉचर एंड होली वन केम डाउन फ्रॉम हेवन कौन आया दानियल दर्शन देख रहा है कह रहा है मैंने दर्शन देखे और मैंने दर्शन में क्या देखा एक वॉचर आया एक पवित्र जन हिंदी में शायद पवित्र जन लिखा है लिखा है एक वॉचर आया कहा कहां से स्वर्ग से और इसका सत्रह वचन पढ़े सत्रह वचन में क्या लिखा दिस मैटर इज बाय द डिक्री ऑफ द वॉचर अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये वॉचर जो हैं इनके लिए हिब्रू वर्ड है आयार और दानियल ने और यशाया ने ये जो दोनों जगह इसे यशाया ने भी लिखा है यशाया पच्चीस अध्याय एक का दो अभी मैंने यशाया शुरू नहीं किया मेरा मेन टेक्स्ट है यशाया पच्चीस अध्याय पच्चीस छब्बीस सत्ताइस यशाया पच्चीस एक की दो और दानियल नबी दानियल नबी की पुस्तक चार अध्याय के तेरह वचन नबी की पुस्तक चार अध्याय के सत्रह वचन और दानियल नबी की पुस्तक चार अध्याय का तेईस वचन तीन रेफरेंस हैं ये दानियल चार की तेरह दानियल चार की सत्रह दानियल चार का तेईस और यशाया नबी में यशाया नबी की पुस्तक में इन दोनों यहूदी नबियों ने इनके लिए ओरिजिनल वर्ड इस्तेमाल किया एरमिक भाषा का और वो एरमिक शब्द है अयार जो बाद में ट्रांसलेट किया गया फॉलन एंजल गिराएगे दूत लेकिन पहले यह गिराए गए दूत नहीं है जो राजा नबूक है राजा द, नबूक के खिलाफ वॉचर्स ने वॉचर कौन है यह परमेश्वर की जुडिशरी हेवन में अलग अलग हेवनली कोर्ट्स हैं हेवन के अंदर जस्टिस न्याय प्रणाली बहुत सशक्त है स्वर्ग में अलग अलग कोर्ट रूम है जिस तरह पृथ्वी के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट अलग होता है और आपके जो तहसील का कोर्ट अलग होता है और कैपिटल के अंदर कोर्ट अलग होता है सेशन कोर्ट होते हैं विलेज रूरल कोर्ट्स होते हैं खाप पंचायतें होती हैं उसके बाद हाई कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष है यहोवा पिता यहोवा प्रभु यीशु मसीह सुप्रीम कोर्ट में न्याय करते हैं अलग अलग कोर्ट रूम लगते हैं हेवन है के अंदर हाल मैंने कोर्ट रूम के ऊपर आपको कम से कम चार घंटे की शिक्षा दी है प्रार्थना का कोर्ट रूम के साथ क्या संबंध है इसके ऊपर सात आठ घंटे की शिक्षा है यदि आप ढूंढेंगे फेसबुक पे मार्च अप्रैल मई के मंथ के अंदर तो ये जो वॉचर हैं ये फैसला ले रहे हैं किसके विरुद्ध में नबूक दिनसर के विरुद्ध में क्योंकि नबूक दिनसर घमंड से भर गया है और ये कहता है इतना बड़ा बेबलोन का साम्राज्य मैंने बनाया है मेरी भुजाओं ने बनाया है मैं कितना शक्तिशाली हूँ मैं कितना बुद्धिमान हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है मैं सबसे बड़ा राजा हूँ सब कुछ मेरे पाँव के नीचे है जब वो अहंकार से भरता है तब आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी क्या कहती है कि तू जानवर बन जाएगा तेरे ऊपर सात समय गुजरेंगे सात साल के लिए तू घास खाएगा जानवरों की नहीं तो ये फैसला किसने लिया है ये फैसला लिया है यहोवा की जुडिशरी ने ये नहीं लिखा कि यहोवा ने लिया है। लिखा वॉचर्स ने लिया है दानियल नबी की पुस्तक चार अध्याय का सत्रह वचन दानियल चार के तेरह में वो दर्शन देखता है कि वो आया है स्वर्ग से दानियल के पास दानियल को बताने के लिए कि ये फैसला लिया गया स्वर्ग के अंदर और इसका अगर आप तेईस वचन पढ़ लेंगे दानियल चार का तेईस दानियल नबी की पुस्तक चार अध्याय का तेईस वचन पढ़ देता हूं वेयर एज द किंग सॉ ए वॉचर एंड अ होली वन कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन सेइंग ह्यू द ट्री डाउन एंड डिस्ट्रॉय इट एंड लीव द स्टंप ऑफ द रूट्स देयर ऑफ इन द अर्थ क्या कहता है कि इस दरख्त को काट डालो कौन है वो दरख्त नबूक है, ियन किंगडम है लेकिन उसकी स्टंप को उसके तने को बीच में रहने दो और क्या कहता है प्रभु प्रभु क्या कहता है बैंड ऑफ आयरन ब्रास ऑफ बी वेट ड्यू ऑफ लेट हिज पोर्शन बी विद बीस्ट ऑफ द फील्ड टिल सेवन टाइम्स पास ओवर है नबूक द नसर राजा अहंकार से भरा और उसने अहंकार से भर के स्वर्ग के परमेश्वर को ललकारा तो स्वर्ग के आ, स्वर्ग के परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर के नीचे जो जुडिशरी है वॉचर्स हैं अयार हैं उन्होंने फैसला लिया कि राजा नबूक क्या बन जाएगा जानवर बन जाएगा उसके नखून बढ़ जाएंगे बाल उगाएंगे और जंगली घास खाएगा और स्वर्ग की ओस से भीगेगा सात साल के लिए और ऐसा ही हुआ ये हैं वॉचर्स जो परमेश्वर के लिए फैसले लेते हैं जुडिशरी है परमेश्वर की तो उत्पत्ति की, पुस्त, की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक ग्यारह अध्याय में हम क्या देखते हैं जब वो बाबुल का बुर्ज बना रहे थे तब परमेश्वर ने पृथ्वी की सत्तर कौमों को 70 जेनेटिक पूल्स देवर सेवेंटी जेनेटिक पूल्स इन जेनेसिस चैप्टर नंबर टेन They came out of the three sons of Noah Shem, Ham, Japheth. There were 70 distinct, separate families. Of course, they were not separate in that way. They were all the sons of Shem, Ham, Japheth. But they were all unique. 70 unique DNAs were there. So what did God do? God abandoned them. पढ़िए रोमियो की पत्री एक अध्याय के अठारह वचन बचन से लेके प्रेल पलूस कहता है वो अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान पंछुए चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं और मनुष्य की समानता में बदल दिया अंधकार की शक्तियों ने उन्हें डिसीव किया उनकी आँख पे पर्दा डाला कवर किया उनकी आंखों को पहला कुरिंथियों, चार अध्याय के दूसरा कुरिंथियों चार के चार में लिखा है कि जिनकी आंखों को जगत के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कौन है इस जगत का ईश्वर बैबलोनियन सिस्टम को चलाने वाला शैतान यह बैबलोन है बैबलोनियन सिस्टम है ले और कौन है वो बैबलॉन वो एक औरत है जो जंतु के ऊपर बैठी हुई है मदर ऑफ ऑल हार्लेट वो सब वेश्याओं की मां है जितने ये दुनिया के अंदर शैतानी सिस्टम है ये वेश्याएं हैं और इनकी मां है बैबलोन उसने इन्हें जन्म दिया है ये सब बाबुल में से निकले मार्ग हैं भाइयों और बहनों ये सब बाबुल की पूजा पद्धतियां हैं बेबलॉन से निकली है ये हा और निमरोद सेमरामिस और तमूज निमरोद की पत्नी सेमरामिस और उनका बेटा तमूज ये ही है पूरे विश्व के अंदर फैली हुई पूजा पद्धति है अगर आप इनका अध्ययन करेंगे तो यह रहस्य और यह गहरे भेद आपके ऊपर खुलेंगे तो परमेश्वर त्यागता है जगत को ग्यारह अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में और पूरे संसार को किनके हवाले कर देता है इन अय्यार के वॉचर के हवाले करता है अब इस पूरी दुनिया पे अलग अलग राष्ट्रों पे अलग अलग कौमों पे अलग अलग देशों के ऊपर कौन राज्य कर रहा है ये ताकते इसलिए जब दानियल नबी प्रार्थना करता है दानियल बाबलोन में है जब वो प्रार्थना कर रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना कर रहा है इसराइल के भविष्य के लिए क्योंकि इसराइल अब सत्तर साल गुलामी में काट के वापिस अपने देश लौटेगा और यहोवा परमेश्वर का भवन बनाया जाएगा तो जब वो उपवास के संग प्रार्थना करने लगता है कौन रोकता है उसकी प्रार्थना को वचन में लिखा है जब जिब्राइल फरिश्ता गेब्रियल आता है तो वो दानियल से कहता है परमेश्वर के जन तेरी प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई जब तूने अपना मन यहोबा की ओर लगाया लेकिन इन 21 दिन तक मुझे प्रिंस ऑफ पर्शिया ने पर्शिया के राजकुमार ने पर्शिया आपको मालूम ईरान का नाम है जिस इलाके में इसराइली लोग गुलामी में थे ऊपर उनके जो फिजा है आसमानी मकाम है वहां पे जो आत्मा राज कर रही है आपके ऊपर जो आकाश है ना सौर मंडल है इसके ऊपर आत्माएं राज कर रही हैं पढ़िएगा इफ्सियों की पत्री छेद हैगा बारह वचन वो प्रधानताएं हैं वो हुकूमतें हैं वो इख्तियार हैं वो दुष्ट शैतानी सनाएं हैं जो ऊपर राज कर रही हैं और इनको ये राज्य किसने दिया है स्वयं यहोवा ने दिया है क्योंकि उसने त्यागा और इनके हवाले दुनिया कर दी है

और को ओरिजिनल टेक्स्ट में अध्ययन करें आप ये दोनों आयतें बताती हैं कि परमेश्वर ने दुनिया को इन वॉचर के हवाले किया और परमेश्वर ने कहा तुम मेरे नीचे तुम इन सब कॉमों के ऊपर राज्य करोगे इनका अच्छे ढंग से संचालन करोगे एंड यू विल गिव मी एन अकाउंट लेकिन शाम 82, 83 क्या बताती हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है वहां पे कि यहोवा परमेश्वर बैठा हुआ कोर्ट रूम चला रहा है यहोवा ने अपने सुप्रीम कोर्ट में इन्हें सम्मन किया है इन सब आत्माओं को क्यों सम्मन किया है क्योंकि ये करप्ट हो गए हैं हाल मैं आपको पढ़ देता हूं कुछ वचन सुनिए ध्यान से गॉड standeth इन द congregation साम एटी टू पढ़िए ब्यासी जबूर गॉड स्टैंड इन द congregation ऑफ द माइटी ही जजेथ अमंग द गॉड्स ये गॉड्स कौन है भाई और बहनों ये गॉड्स का न्याय कर रहा है हुँ? कौन है ये गॉड्स इनके लिए हिब्रू वर्ड है एलोहीम अब एलोहीम जो है एलोहीम वर्ड नाम नहीं है एलोहीम एक टाइटल है आत्मा की दुनिया में जितने रहते हैं उन सबको एलोहीम कहा जाता है एलोहीम इज अ वेरी वेरी जेनेरिक टर्म एलोहीम इज यूज फॉर ऑल द स्पिरिट मीन दैट लिव इन दैट रेलम इन दैट टेरिटोरी उन सबको एलोहीम ही कहा जाता है हा समझ लूया समझने आप तो क्या लिखा है एलोहीमो को अर्थात ये वॉचर है जिनको यहोवा जज कर रहा है हाउ लॉन्ग विल ई जज एंड जस्टली एंड एक्सेप्ट द पर्सन ऑफ दिकेट क्यों इनको जज कर रहा है ये पढ़ लीजिए सामपुरी डिफेंड द पुअर एंड द फादरलेस डू जस्टिस टू दी एफ्डेड एंडी डिलीवर द पुअर एंड द नीडी रिट दफ देंड दिकेट ये सब क्योंकि ये जो वॉचर हैं इन वॉच ये वॉचर करप्ट हो गए हैं ये वॉचर जो है इन्होंने संसार की जुडिशरी को पूरी दुनिया में जितनी न्यायपालिकाएं हैं जजेस हैं लॉयर्स हैं इनको करप्ट कर दिया है पृथ्वी के ऊपर जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी है बड़े बड़े अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं उनको इन लोगों ने इन वॉचर ने भ्रष्ट कर दिया है जितने पॉलिटिशियन हैं मंत्री हैं स्टेट्समैन हैं पॉलिसी मेकर हैं उन सबको इन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन सबको इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है जितना मार्केटिंग वर्ल्ड है उनके लीडर्स को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है जितने जर्नलिज्म में मास मीडिया में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उन लोगों को इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है पूरे संसार के सिस्टम को इन वॉचर ने उनके अंदर घुस के भ्रष्ट कर दिया है पृथ्वी को करप्ट कर दिया है इसलिए गरीब को सताया जा रहा है इसलिए विधवाओं को अनाथों को फादरलेस को इसलिए जो लोगों के पास प्रिवलेजेस नहीं है जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं उन लोगों को सताया जा रहा और साम एटी में यहोवा परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार किन्हीं ठहरा रहा है यह पृथ्वी के ऊपर जो मंत्री हैं पृथ्वी के ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पृथ्वी के ऊपर जो जुडिश्री है न्यायपालिकाएं हैं इन सबको कंट्रोल कर रही है बदरुए ऊपर से फॉलन रेलम के जो ये वॉचर्स हैं जिनके हवाले दुनिया की गई थी साम एटी टू पढ़े आप यहोवा परमेश्वर उनका न्याय करेगा इन सबको चलाने वाले ये डीमंस हैं बदरुए हैं वचन में लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है यहुन्ना पहला यहुन्ना की पत्री में लिखा हुआ है सारा संसार संत पलूस कुरिंथियों की पत्री में कहता है इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है प्रेत पलूस कहता है अगर सुसमाचार छिपा है तो उनसे छिपा है जो नाश होने वाले हैं क्योंकि उनकी आंखों पे शैतान ने पर्दा डाला है ये बेबलॉन का सिस्टम है जो बाबुल से निकला है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और आपको मालूम बेबलॉन चर्च के अंदर भी घुसा हुआ है बेबलॉन चर्च के अगुओं को लीडर्स को पास्टर्स को करप्ट कर रहा है बेबलॉन चर्च के अंदर जितना सिस्टम है वर्शिप आराधना की पद्धति है जो फाइनेंशियल सिस्टम है चर्च के अंदर जो चर्च की प्योरिटी होलीनेस सेंटिटी सबको अपवित्र कर रहा है अब मैं आपको यशाया में लेकर चलता हूँ बहुत ही जबरदस्त टेक्स्ट है यशाया पच्चीस अध्याय में पढ़िए मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक निकालिए उसका पच्चीस अध्याय क्या कहता है परमेश्वर प्रदास ये जो नबी थे भाई और बहनों ये अपने समय के प्राचीन काल के अलग अलग धर्म अलग अलग संस्कृतियां उन्हें समझते थे उनके जो गॉड्स एंड उनके जो देवी देवता थे उन्हें समझते थे उनके पैंथियॉन को समझते थे इसलिए ये उन चीजों को संधर्म में लेके वचन को लिखते हैं तो क्या कहता है जैशाय 25 में सुनिए ध्यान से नबी की पुस्तक पच्चीस के पहले वचन में ओलोड ऑफ ओल्ड आर फेथफुल एंड ट्रूथ आगे क्या कहता है दूसरा वचन में फॉर दाउ हैज मेड ऑफ ए सिटी एन हीप ऑफ डिफेंडेड सिटी ए रूइन ए पैलेस ऑफ स्ट्रेंजर टू बी नो सिटी एंड इट शेल ने बिल्ट अब सुनिए आपको मैं औरजिनल टेक्स में थे बताता हूँ यशाया क्या कह रहा है यशाया यहाँ पे सिटी वर्ड जिसको ट्रांसलेट किया गया शहर सिटी हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है मैं अभी हिंदी में भी पढ़ता हूँ यशाया पच्चीस अध्याय और उसका दूसरा वचन हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए सुनिए क्या कहता है तूने तो नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़वाले नगर को खंडर बना डाला तूने परदेशियों को राज परदेशों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा वह फिर कभी बसाया ना जाएगा अब सुनिए यशाया क्या लिख रहा है यहां पे हमें हिंदी में और इंग्लिश में वो सेंस नहीं मिलेगी जो ओरिजिनल टेक्स्ट में मिलती है सुनिए यशाया यहाँ पे ऐसा यूनिक शब्द इस्तेमाल कर रहा जो बाइबल में नहीं किया गया पहले शहर के लिए शहर के लिए जो यशाया शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो एरमिक भाषा का शब्द है अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट में देखेंगे इस वर्स को तो जो शब्द यहां पे यशाया इस्तेमाल कर रहा है वो हिब्रू नहीं है एरमिक है एरमिक एक डिस्टिंक्ट डायलैक्ट है हिब्रू का तो एरमिक में वर्ड है अयर जो मैंने अभी आपको बताया दानियल चार की तेरह दानियल चार की सतारह दानियल चार का तेईस ऊपर से आने वाला एक पवित्र दूत है जो फैसले लेते हैं उसको शहर कहा गया यहां पे क्यों कहा गया क्योंकि अयार वॉचर होते हैं वॉचर का मतलब क्या पहरा देने वाले ये कहां पे पहरा देते हैं सिटीज के ऊपर पहरा देते हैं ये वॉचर हैं दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फोर्टिफाइड सिटी ये जो पहरुए होते हैं वॉचर्स दे ऑलवेज सेट ऑन द वॉल इन दे वर कॉल्ड सिटी गॉड्स they were the guards of a particular city. they would guard a city. they were spirits guarding the cities. so God is using a very distinct word through Prophet Isaiah. He is using an Aramic word which is ayar watcher. और ये fallen angel भी हैं, गिराए गए फरिश्ते हैं जो भ्रष्ट हुए और गिराए गए और सामेटी 82 में यहोवा परमेश्वर इन गिराए गए फरिश्तों का न्याय कर रहा है। और अगर आप पढ़ेंगे आ, तीसरा वचन इसका पहले दूसरे वचन में जो वर्ड यशाया शहर के लिए इस्तेमाल करता वह अयार अयार का मतलब वही जो दानियल चार की तेरह चार की सत्रह और चार के ट्वेंटी थ्री में ये इनका जो काउंसिल है वो फैसला लेती है नबूक दसर के विरोध में कि नबूक दसर जानवर बन जाएगा और सात साल तक जानवर बना रहेगा बिल्कुल जानवर की तरह उसके बाल उगाएंगे उसके नखून बढ़ जाएंगे और ऐसा ही हुआ उसके घमंड की उसे सजा मिली सात साल के बाद वो फिर मनुष्य बन गया यह फैसला वॉचर लेते हैं और जशाया पच्चीस एक में जो वर्ड यूज करता है यही शब्द लेकिन वो इसे शहर कहता है क्यों कहता है क्योंकि एक एक शहर के ऊपर अय्यर बैठा है वॉचर बैठा है जो वॉच करता है हाल लू लेकिन अगर आप तीसरा वचन पढ़ेंगे पच्चीस का तीन देर फोर शेल द स्ट्रॉग पीपल ग्लोरिफाई दी द सिटी ऑफ द टेबल नेशन शेल फियर दी अब फिर वर्ल्ड सिटी आया यहां पे अगर आप इसे ओरिजिनल टेक्स्ट में देखेंगे ये जो वर्ल्ड सिटी है ये अयर नहीं है ये है क्रियात क्रियात सेप्टुआजेंट टेक्स्ट को अगर आप अध्ययन करेंगे हालिया एंशंट एंड द सिटी सिटी इन दी इग्नोर्ड मैन शेल प्रेज दी यहां पे क्या लिखा है दियर फॉर शेल द स्ट्रांग पीपल ग्लोरिफाई दी द सिटी ऑफ द टेरेबल टेरेबल लेकिन यहां पे जो यह वर्ड टेरेबल लिखा है जो अगर आप इसे पढ़ेंगे सेप्टुआजेंट hmm, में तो वहां पे लिखा इंजर्ड मैन शेल ब्लेस दी हालेलुया तो सेप्टुआ के अंदर बहुत डीप और ओरिजिनल सेंस लिखी गई है मैं एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए आ, इसी में से यशाया से यशाया 26 का 19 वचन आपके लिए पढ़ता हूं आप सुने यहां पे क्या लिखा दाई डेड मैन शैल लिव टुगेदर विद माई डेड बॉडी शैल दे राइज awake and sing that he dwell in dust for dew is as the dew of herbs and the earth shall cast out dead ये बड़ा डीप स्कल्पचर है 16 का 19 मुर्दे कैसे जी उठेंगे अविनाशी दशा में जो वचन मैं आपको पढ़ रहा बता रहा था जो सेप्टुआजेंट है सेप्टुआजेंट वर्जन है वो 250 हंड्रेड मसीह की आमद से 250 साल पहले यहूदी स्कॉलरों के द्वारा रचा गया यहूदी स्कॉलर्स के द्वारा अगर आप दानियल नबी की पुस्तक पढ़ेंगे डानियल नबी की पुस्तक में इतनी जबरदस्त भविष्यवाणी थी डानियल नबी के समय के पॉलिटिकल सिस्टम के विषय में जो दानियल नबी के पॉलिटिकल दानियल नबी जिस राज्य में आ, असीरी में था बैबलॉन की उनके इर्द गिर्द के राज्यों के विषय में दानियल इतनी सटीक भविष्यवाणियां करता है पॉलिटिकल प्रोफेसीज जैसे आज भी कई लोग करते हैं ना लेकिन दानियल की एक एक प्रोफेसी पूरी होती है आपको मालूम लिबरल थियोलॉजियंस क्या कहते हैं अमेरिका में अमेरिका के कई लिबरल थ्योलॉजियंस कहते हैं कि दानियल ने यह भविष्यवाणी की पुस्तक उन घटनाओं के घटने के बाद में लिखी है क्योंकि वो भविष्यवाणियां इतनी सटीक है हुँ? तो मैं पढ़ता हूं जशाया पच्चीस अध्याय उसका चौथे और पांचवें वचन को फॉर दाव हैज बीन ए स्ट्रेंथ टू the स्ट्रेंथ टू द नीडी इन हिज डिस्ट्रेस ए रेफ्यूज फ्रॉम स्टॉम शेडो फ्रॉम द हीट of द ब्लास्ट दन इज एज अ स्टॉम अगेंस्ट द वॉल हरे storm against द वॉल स्टॉम अगेंस्ट द वॉल ये वर्ड डिफरेंट है कहाँ पे सेप्टो एजेंट में इट्स नॉट लाइक वट इज हेयर मैं अभी एक वचन पढ़ता हूँ um uh, one second mm. uh, sixth six, twenty five six and in this mountain shall the lord of hosts make unto all the people feast of fat thing feast of wine on the lees fat things of the marrow of the wine of the lees well refined अब यशाया क्या बात कर रहा है यहाँ पे यशाया बात कर रहा है ऑन एंड इन दिस माउंटेन ये कौन सा माउंटेन है यह है यहोवा परमेश्वर का पवित्र पहाड़ जिसे हम सियोन पर्वत कहते हैं माउंट मोराया के ऊपर है सियोन पर्वत जहाँ पे यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है अगर आप सियोन पर्वत यूशलम में जाएंगे और आ, आ, पर्वत जो माउंट मोराया पे है उसके बिल्कुल टॉप पे देखेंगे नॉर्थ साइड में वही एग्जैक्ट लोकेशन है हेवन की नॉर्थ को आपको मालूम हिब्रू में कहा गया एल शफोन एल शफोन एक स्पिरिट डिमेंशन है नॉर्थ जिधर यहोवा परमेश्वर का सिहासन है उत्तर की दिशा में वो एक स्पिरिट डिमेंशन है इसी उत्तर की दिशा के ऊपर चढ़ के अपना सिंहासन कौन बनाना चाहता था लूसीफर यशाया नबी की पुस्तक चौदह अध्याय में पढ़ के देखी एल शफोन पे वो कब्जा करना चाहता एक स्पिरिट डिमेंशन है एल शफोन ये डिमेंशन स्पिरिट रेल में है फिजिकल जोग्राफिकली आपको यह डिमेंशन नहीं मिलेगी तो यहां पे यहोवा परमेश्वर एक पार्टी करेगा एक फीस्ट करेगा बहुत बड़ी फीस्ट होगी दुनिया की सबसे बड़ी फीस्ट हाल ओरिजिनल जो टेक्स्ट है सेप्टो आपको मालूम मैसोलेटिक टेक्स्ट जो है जो हिंदी की ट्रांसलेशन है मैसोलेटिक टेक्स्ट से ली गई है मैसोलेटिक टेक्स्ट बहुत बाद में आया है ये सबसे पहले आया है सेप्टो एजेंट तो क्या लिखा यहाँ पे प्रभु के इस पहाड़ पे एक बहुत बड़ी फीस्ट होगी वहां पे रिच खाना बहुत रिच खाना दिया जाएगा और पुरानी वाइन परोसी जाएगी और प्रभु इस फीस्ट में किन्हें बुला रहा है दुनिया के सभी गॉड्स को पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करने वाले देवी देवता परमेश्वर बुलाएगा रफाहिमों को रफाइम कौन है रफाहिम है जब वो फॉलन एंजल मारे गए फॉलन एंजल का बीज मारा गया तो वो रफाइम बन गए चैरियट वॉरियर जो बदरुए जो बड़े बड़े रथों को लेके चलती हैं वो बदरुए और सारे Pantheon के गॉड्स एंड को परमेश्वर यहाँ पे बुलाएगा आपको मालूम टेक्स्ट टेक्स्ट में में क्या लिखा है? टेक्स्ट में लिखा है है वो एक दिन ट्रैवल करेंगे दूसरे दिन ट्रैवल करेंगे तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा वो परमेश्वर जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है जिसका कोई एंड नहीं है वो ये होवा परमेश्वर जैसा से छे वचन में लिखा है वो सबको सम्मन करेगा हाल आपको मालूम कैनेनाइट आइट में एल एक देवता है एल एल सम्मन करता है किन्हें सम्मन करता है अपने सारे गॉड्स एंड गॉडस को कहां पे सम्मन करता है क्या लिखा है वहां पे वहां पे लिखा है थ्रेशिंग फ्लोर में करता है थ्रेशिंग फ्लोर ऑफ अरुणा अगर आपको याद हो मैंने थ्रेशिंग फ्लोर पे आपको टीचिंग दी थी कि थ्रेशिंग फ्लोर कौन सी जगह है उसे मैं फिर रिफ्रेश करूंगा किसी दिन आपके सामने एक वचन को कई बार सिखाना चाहिए तब लोगों को समझ आता है थ्रेशिंग फ्लोर वो जगह है जहां पे गेहूं में से भूसा निकाला जाता है और थ्रेशिंग फ्लोर वो जगह है भाई और बहनों जहां पे हमारे पुरखे इब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को कुर्बानी के लिए रखा थ्रेशिंग फ्लोर वही जगह है जहां पे राजा दाऊद ने यहोवा के लिए जगवेदी बनाई जब इजराइल के ऊपर बवा प्लेग आ गई थी थ्रेशिंग फ्लोर वही जगह है जहां पे सुलेमान ने टेंपल बनाई और थ्रेशिंग फ्लोर वही जगह है जहां पे यीशु मसीह वो अपने हाथ में लेके खड़ा है गेहूं को भूसे से अलग कर रहा है कलीसिया थ्रेशिंग फ्लोर में खड़ी है हालेलुया तो यशाया पच्चीस अध्याय का सात वचन आपके लिए पढ़ता हूं सुने जिशाया पच्चीस का सात आप सुने ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है और जो पर्दा सब देश के लोगों पे पड़ा है जिशाया पच्चीस का सात पढ़िए क्या लिखा है यहां पे एंड ही विल डिस्ट्रॉय इन दिस माउंटेन द फेस ऑफ द कवरिंग कास्ट ओवर ऑल पीपल द वेल दैट इज स्प्रेड ओवर ऑल नेशन एक पर्दा है भाई और बहनों जो पृथ्वी की कौमों के ऊपर पड़ा है पृथ्वी के कुल गोत्र भाषा पृथ्वी की अलग अलग संस्कृति धर्म जाति के लोगों की आंख पे एक पर्दा डाला गया है संत पलूस गुरंथियों की पत्री में कहता है यदि हमारा सुसमाज इफ अवर गॉस्पल इज वेल्ड पॉल दल से गॉस्पल इज वेल्ड इट इज वेल्ड फ्रॉम देम दैट आर गोइंग टू पैरिस इट इज वेल्ड फ्रॉम देम दैट आर गोइंग टू पैरिश सेकेंड कुरिंथियन चैप्टर नंबर फोर एंड वर्स नंबर फोर मैं पढ़ता हूं आपके लिए सेकंड कुरिंथियन चार की चार सुनिएगा ध्यान से मैं पढ़ता हूँ पूरा वचन सेकेंड कुरिंथियन चैप्टर नंबर फोर वर्स नंबर थ्री से पढ़ता हूँ सेकंड कुरिंथियन चैप्टर नंबर फोर वर्स नंबर थ्री परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके क्या कहता है यशाया यशाया 26 अध्याय में क्या लिख रहा है छब्बीस अध्याय में क्या लिखता है यशाया पच्चीस पच्चीस अध्याय में जशाया पच्चीस दह के सातव वचन में कहता है और जो पर्दा सब देश के लोगों पर पड़ा है जो घूंघट जातियों पर लटका है वह उसे इसी पर्वत पर नष्ट करेगा हम जब सुसमाचार सुनाते हैं तो ज्योति चमकती है और जो ज्योति को ग्रहण करते हैं वो प्रभु की शरण में आ जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ज्योति को ग्रहण नहीं करते क्यों शैतान का पर्दा उनके ऊपर पड़ा है तो यहोवा परमेश्वर सभी जातियों सभी कौमों सभी कोत्र सभी भाषा बोलने वाले लोगों की आंखों पे पड़े पर्दे को उतार के फेंक नहीं रहा है लॉर्ड इज नॉट डिस्ट्रॉइंग दिस दिस कर्टन दैट इज कास्ट बिफोर द आईज ऑफ पीपल द कवरिंग दैट इज कास्ट द वेल दैट इज कास्ट बट वन डे ही विल डिस्ट्रॉय इट एक दिन वो डिस्ट्रॉय करेगा कहाँ पे वो अपने पहाड़ पे बुलाएगा किन्हें सभी देवी देवताओं को सभी इष्टों को सभी वॉचर्स को और यहोवा परमेश्वर उनका न्याय करेगा यहोवा परमेश्वर उन्हें दंड देगा ये वो कौंसल हैं जो पृथ्वी की कॉमों पे राज्य करती है सेप्टोजेंट बताता है जो जूस स्कॉलर्स थे यहूदी विद्वान थे यहूदी सियर प्रॉफिट थे अपॉसल थे वो इस सच्चाई को जानते थे इसलिए ग्रीक की ट्रांसलेशन करते समय जू स्कॉलर्स ग्रीक पेन थी उनको भी समझते थे इसलिए वो लिख रहे हैं थेनाटॉस लिख रहे हैं छः अध्याय प्रकाशित वाक्य में यहुन्ना उसे थेनाटॉस कह रहा है क्योंकि ग्रीक गॉड है थेनाटॉस मौत का जैसे हमारे देश में यमराज है जैसे मौत था और हिब्रू का वर्ड है दुमथ प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा सचमुच मर जाएगा वर्ड है द मूथ मौत के लिए जहां से मौत निकला है वर्ल्ड इसलिए वो जब ट्रांसलेट करते हैं ग्रीक में रफाइमों को वो जायंट और टाइटन कहते हैं आपने पढ़ा होगा ग्रीक पैंथियोन में ओलंपियन और टाइटन की लड़ाई ये सब उत्पत्ति की पुस्तक छे अध्याय में आप सबको मिलेगा प्रभु स्वालो आप कर लेगा क्या लिखा यहां पर जशाया पच्चीस के साथ में लिखा है द लोड इंग्लिश में लिखा डिस्ट्रॉय लेकिन ओरिजिनल वर्ड है लोड विल स्वालो अप प्रभु निगल जाएगा हाल किसे निगल जाएगा शैतानी पर्दे को मौत के पर्दे को प्रभु निगल जाएगा हाल द कवर दैट इज अपॉन ऑल द नेशन ऑन द माउंटेन उस पहाड़ पे वो आखिरी लड़ाई होगी अर्मगादन की प्रेरित पलूस इसी बात को लिख रहा है भाई और बहनों हाल प्रेरित पलूस पहला कुरिन्थियों पंद्रह अध्याय के 51 वचन से लेके 54 वचन में यही लिख रहा है कि मौत को यहोवा ने सवालो कर लिया जो मौत सबको निगलती है उस मौत को कौन निगल गया यहोवा परमेश्वर निगल गया और यहोवा परमेश्वर सब लोगों की आंखों से आंसू डालेगा सब देशों के वॉचर का न्याय किया जाएगा फॉलन एंजल का यहोवा परमेश्वर उनका न्याय करेगा आपको मालूम हिब्रू में दमूत या दमूत। में या मोएथ है डेथ मौत कैनानाइट और एमोराइट में मौत है अगर आप एक पुस्तक पढ़ेंगे बेल साइकिल बेल पुस्तक में मैंने आपको बताया जो तियामात है वो अपनी जीव से तारों को निगलने की कोशिश करता है वो सब कुछ स्वालो करता मौत निगलती है सब कुछ लेकिन यह मौत को निगल जाएगा हा गिलगमिश एपिक ऑफ गिलगमिश अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बेल जो है बेल उसको मौत मौत स्वालो कर जाती है तो बाल जो देवता है वो अपने आप को काटने लगता है अपने शरीर को काटता है जैसा कि एलिया के समय बाल नबी के पुजारी कर रहे थे जब आग नहीं आई तो वो अपने आप को काटने लगे तो भाई और बहनों ये जो थेनाटॉस है वो ही है हाल लोई वही टिया माट है वही ता है हालेलुया यहोवा होवा परमेश्वर इसे निगल जाएगा हालेलुया लुइया तब मृत्यु ना रहेगी मुकम्मल तौर पे मृत्यु को शिकस्त दी जाएगी और हम अविनाशी देहों को पहनेंगे जैसी देह यीशु मसीह के पास है वैसी दे आपको और मुझे भी मिलेगी धन्य आशा ऐसे अद्भुत अलौकिक वायदे कहां हैं संसार में बताइए मुझे इसलिए उस अविनाशी दे को पहनने के लिए आपको मालूम रेवलेशन में क्या लिखा है फिर मैं उसके विषय में आपको लेके चलूंगा जो दुल्हन है यीशु मसीह की जलाली दुल्हन उसने जो वस्त्र पहने उनमें उन, उन से रोशनी फूट रही है आप पढ़िए रेवलेशन बीस अध्याय में उसमें से जो रोशनी फूट रही है जो दुल्हन का वस्त्र है उसमें से रोशनी फूट रही है वहां पे ग्रीक वर्ड है लैम्प रॉस जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकला है लैम्प बल्ब जब जलते हैं तो रोशनी निकलती है फोटोन्स उसके वस्त्र में से निकल रहे हैं ये जो दुल्हन है यश मसीह की उसके वस्त्र में से रोशनी फूट के निकल रही है यीशु मसीह के जितने लोग होंगे सबके वस्त्रों में से एक समान रोशनी नहीं होगी आप अभी कैसा जीवन जीते हैं क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं रोज क्या आप सीधी चाल चल रहे हैं क्या आप राइचसनेस में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं क्या आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हैं क्या आपकी सोल में जो विचारों का युद्ध है क्या आप गंदे विचारों को एंटरटेन करते हैं या हर उस विचार को जो मसीह की मसीह की आज्ञा नहीं मानता मसीह के विरुद्ध है उस विचार को आप गुलाम बनाते हो उस विचार पे जयवंत होते हो आप विचारों में पवित्र रहते हो अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाते हो तंग फाटक से रोज रोज प्रवेश करते हो सकरे पथ पे चलते हो क्रूस उठाते हो अपने आप का इनकार करते हो पवित्र जीवन प्रभु के लिए जीते हो प्रभु के लिए हर क्षण प्रभु के ऊपर आपका ध्यान बना रहता है कैसा जीवन जी रहे हैं आप आग में पवित्र आत्मा की आग में तो निश्चय आपको जलाली वस्त्र मिलेंगे हालेलुया हालेलुया ये डिपेंड करता अब आप कैसा जीवन जी रहे हैं तो इसलिए अपना जीवन प्रभु को दीजिए पवित्र जीवन जिए प्रभु के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे कल सुबह उठेंगे हम और अर्ली मॉर्निंग की प्रार्थना करेंगे और सब जुड़ जाइएगा और उपवास में ठहरिएगा प्रार्थना कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे सबको जय मसीह की